नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज हम बेसन मावा की बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, ये खाने में एकदम टेस्टी बनी है। और दोस्तों, मावे की वजह से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ गया है और ये बहुत ही आसानी से बन गई है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाएंगे। 2 कप हमने बेसन लिया है, 150 ग्राम चीनी ली है, येलो फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है। और दोस्तों, जितने हमने चीनी ली है उसका आधा पानी लेंगे। और इलायची पाउडर लिया है, और ये हमने काजू बादाम को काट लिया है। आधा कप देसी घी लिया है, और ये मैंने पिस्ता लिए हैं काफ़ी सारे बारीक काट लिया है। और ये 1 कप हमने मावा लिया है, ये होममेड मावा है दोस्तों। इसकी रेसिपी पहले भी डाल चुकी हूँ मैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम बेसन डाल लेंगे, और फ्लेम को हमने लो रखना है। कढ़ाई को हमने थोड़ा गर्म कर लिया था। अब इसमें घी डाल देंगे, एकदम से पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसे हमें लो फ्लेम पर इसे भूनना है, खुशबू आने तक अच्छे से भूनना है दोस्तों। इसका कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों हम इसमें घी डालेंगे। और इस ये देखिए दोस्तों, हमें 3-4 मिनट हो गए हैं, अभी भी हमें ये मिक्सचर ड्राई लग रहा है। तो इसमें घी हम और डालेंगे, 2 चम्मच और डाल देंगे हम घी इसमें। आधी कटोरी पूरा लग जाता है इसमें घी। अभी इसे हमें 8 से 10 मिनट इसी तरह से भूनना है दोस्तों। देखिए, 8 से 10 मिनट बाद इसका टेक्सचर इस तरह से हो गया है, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये एकदम परफेक्ट है इस तरह से, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से हुई है, और हम लो फ्लेम पर ही भून रहे हैं। और इसी स्टेज पर हम इसमें मावा डाल देंगे, इससे हमारी बर्फी का बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब इसको बहुत अच्छी तरह से मेल्ट कर देंगे इसके साथ, बेसन के साथ। इसे 2-3 मिनट ही चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अब आप इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया है। ये हमने अच्छे से मिला लिया है दोस्तों। अब गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि 2-3 मिनट हो गया था मावे के भूनते भूनते। अब हम इसे नीचे उड़ा उतार लेंगे कढ़ाई को। अब इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। कढ़ाई अभी गर्म है इसलिए चलाते रहेंगे। अब इतना ठंडा हो रहा है, अब हम चाशनी बना लेते हैं। एक पैन में हमने चीनी डाल दी है, और पानी भी डाल देंगे। चीनी के लेवल तक ही पानी डालें, चीनी जितनी चीनी है उसका आधा पानी डालेंगे। और गैस को अब ये हमें लो रखना है, लो फ्लेम पर ही इसको हमें मेल्ट करनी है चीनी को। फिर मीडियम टू हाई कर देंगे जब हम इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। तो ये सारी घुल चुकी है चीनी अच्छे से। अब इसमें हम आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है, और येलो फूड कलर भी डाल देंगे दोस्तों। ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत ही प्यारा आएगा बर्फ़ी का। अब इसे हमें एक तार की चाशनी तक गाढ़ा करना है, पकाना है अच्छी तरह से। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई पे ही पकानी है इसको। अभी मैं दिखाती हूँ आपको एक तार की चाशनी बनी है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, एक तार आ रहा है बड़े अच्छे से, ये बनकर के रेडी है। अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे। अब बेसन का जो मिक्सचर है उसके अंदर इसको डाल देंगे, और खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये सारा लग जाएगी चीनी, ये चाशनी जितनी भी है सारी लग जाएगी इसमें। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे। आप चाहें तो कुछ सेकंड के लिए गैस जला करके भी इसको चला सकते हैं। उससे ये क्या होगा, ये बर्फ़ी थोड़ी सी हार्ड बनेगी, मतलब अच्छी लगेगी। लेकिन मैं बिना गैस के ही इसको मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, एकदम कितनी चिकनी और एकदम से कितनी शाइनिंग मार रही है बर्फ़ी। इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया हो गया है। और हमने एक बर्तन को पहले ही ग्रीस करके रख लिया था, पहले ही ग्रीस करके रखना है जिसमें आप जमाएंगे बर्फ़ी को। और ये भी रेडी हो चुका है जमाने के लिए।
अब हम इसको डाल देंगे मिक्सर को उस बर्तन में, ट्रे में डाल देंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह से सेट कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया लग रही है और कलर इसका कितना प्यारा आया है, खुशबू भी इसमें बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब इसमें हम अपने इच्छा अनुसार कुछ भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। ये हम पिस्ता डाल देंगे। अब कुछ काजू बादाम भी डाल देंगे बारीक कटे हुए। अब इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि निकले नहीं ये ड्राई फ्रूट्स। अब इसको मैं 3 घंटे के लिए रख दूंगी जमने के लिए। आप चाहे जल्दी हो तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, तब भी जम जाएगी ये। 3 घंटे इसमें आराम से लग जाते हैं दोस्तों। 3 घंटे बाद मैं इसको दिखाती हूँ, ये आपको कट करके दिखाऊंगी। देख सकते हैं कितनी बढ़िया जमी है और कितनी आसानी से कितनी बढ़िया कट रही है। ये पीस आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े कर सकते हैं। इस तरह सारे पीस कर लिए हमने, निकाल करके भी दिखा देंगे। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया बनके तैयार हुई है बर्फ़ी। इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त बनी है ये। देख सकते हैं इसका टेक्सचर। एक पीस और निकाल करके दिखा देते हैं, कितनी लाजवाब लग रही है ये। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। सबको निकाल करके हमने सर्व कर लिया है और एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, कितनी सॉफ्ट बनी है ये। देख सकते हैं दोस्तों बेसन मावे की बर्फ़ी बन करके एकदम तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। और दोस्तों इस दीपावली पर आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी बर्फ़ी कैसी बनी है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।